ओम नमः शिवाय। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन सात चीजों के बारे में जिसको भूलवश भी शिवलिंग पे या शिव जी की प्रतिमा के ऊपर अर्पित नहीं करनी चाहिए। इन सात चीजों को शिवलिंग पे या उनकी प्रतिमा पे अर्पित करने से फल होने की बजाय नुकसान हो जाता है। तो चलिए भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश की स्तुति करते हुए, उनको नमन करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उन सात चीजों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं जिन्हें भूलवश भी हमें शिव की प्रतिमा पर नहीं चढ़ानी है। आप सब तो जानते ही हैं कि भोले शंकर बहुत दयालु हैं, उनकी पूजा अर्चना करने से बहुत जल्दी खुद प्रसन्न हो जाते हैं और मनचाहा वरदान देते हैं। हमें केवल कुछ विषयों पे, कुछ चीजों पे ध्यान देना है जिसको अर्पित करने से वह नाराज हो सकते हैं, फल देने की बजाय गुस्सा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सर्वप्रथम हमें जो पहली चीज है वह है, शंख से कभी शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित नहीं करना चाहिए। अक्सर हमने देखा है कि लोग मंदिरों में जाते हैं, शिवलिंग पे अपने पात्र से पहले शंख में जल डालते हैं और फिर शंख से शिवलिंग पे अर्पित करते हैं। यह कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इसको कर रहे हो तो कृपया कर इसी वक्त से इस कार्य को बंद कर दें। दरअसल कथा यह है कि शंखाचूर नाम का एक बहुत बड़ा दैत्य राज हुआ करता था। उसके उत्पात से पूरे स्वर्गलोक में हाहाकार मचा हुआ था। सब लोग परेशान होकर, सारी देवी देवताएं शंकर जी के पास गए और कहे कि इस दैत्य से, शंखाचूर दैत्य से हम लोगों को बचाइए, देवलोक को बचाइए, वरना सर्वनाश हो जाएगा। तब शिव जी ने अपने त्रिशूल से शंखाचूर का वध किया था और त्रिशूल के ताप से उसकी पूरी शरीर भस्म हो गई थी। उस भस्म से शंखाचूर का शव था, उसके भस्म से संघ की उत्पत्ति हुई है। इसलिए चूंकि शंखाचूर का वध शिवजी ने किया था, इसलिए संघ से कभी भी शिवलिंग पे जल अर्पित न करें, इससे शिवजी नाराज हो जाते हैं। दूसरी चीज, यू तो हमने देखा है कि कोई भी पूजा बिना तुलसी के पत्ते का संपन्न नहीं हो जाता है। हमें जब भी प्रसाद का भोग लगाना होता है तो बचपन से सभी लोग देखते आए हैं, माता पिता या गुरुजन कहते हैं हर खाने के भोजन में पहले तुलसी का दल लगा डाल दो, भगवान की भोग लग गई उसके बाद ही उस भोजन को अर्पित करना चाहिए। मगर मैं आपको ये सख्त निर्देश दे रहा हूँ कि भूलवश भी कभी भी तुलसी का पत्ता शिवलिंग पे या शिव की प्रतिमा पे अर्पित न करें। एक बहुत ही विनाशकारी दैत्य था जालंधर, जिसका वध भगवान शिव के हाथों हुआ था। शिव जी ने जालंधर का वध किया था और वह जो जालंधर था वो तुलसी का पति था। इसलिए तुलसी का पत्ता कभी भी शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना चाहिए, इसको अभी से बंद कर दें। तो हमने दो चीजें देखा, संघ से जल नहीं डालना है, तुलसी का पत्ता कभी भी शिवलिंग पे नहीं चढ़ानी है। अब तीसरी चीज जो हमने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था, आपको बार बार इसका निर्देश भी दिया था कि एक केतकी का फूल होता है जो अभी बरसात के मौसम में खूब पाया जाता है, सब जगह मिलता है, वो सफेद रंग का होता है, कुछ लोग उसको केवरा का फूल भी कहते हैं, वह कभी भी शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना चाहिए। दरअसल एक बार ब्रह्मा जी के झूठ में केतकी ने उनका साथ दिया था तो शिव जी नाराज हो गए थे। उन्होंने खुद केतकी को साथ दिया था कि तुम्हारा फूल कभी भी मेरे शिवलिंग पे या मेरी प्रतिमा पे अर्पित नहीं किया जाएगा। तो चूंकि शिव जी से स्वयं सापित फूल है तो उस केतकी का फूल कभी भी शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। अब चौथी चीज आती है, अक्षत चावल
चावल जिसे हम लोग अक्षत भी कहते हैं, हर पूजा में हम लोग अक्षत अर्पित करते हैं, शिवलिंग पे भी हम लोग अक्षत अर्पित करते हैं। आप अक्षत अर्पित करें इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर अर्पित करते समय हम एक चीज जो भूल जाते हैं वो होता है कि जो चावल टूटा हुआ होता है, आधा चावल होता है या छोटा चावल होता है या जिस चावल में कीड़ा लगा होता है, ऐसे चावल को, ऐसे अक्षत को शिव जी पे कभी अर्पित भूल बस भी न करें। अब है पांचवी चीज। पांचवी चीज होती है तिल। तिल कभी भी शिवलिंग पे या शिव की प्रतिमा पे नहीं चढ़ाई जाती है। तिल की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है यह भगवान विष्णु के मैल से इसकी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि यह तिल भगवान विष्णु का मैल होता है, तो इसको हम शिवलिंग के ऊपर कभी नहीं। अब आती है छठी चीज। छठी चीज है कुमकुम और हल्दी। कुमकुम और हल्दी जो है वह सौभाग्य की निशानी है, सुहाग की निशानी है और अपने भोलेनाथ, अपने शिव जी वैराग्य के स्वरूप हैं। इसलिए कोई भी सौभाग्य या सुहाग की चीज शिवलिंग के ऊपर अर्पित नहीं करनी चाहिए। इसलिए कुमकुम और हल्दी का कभी भी अर्पण शिवलिंग पे न करें। अब सातवीं और आखिरी चीज जो हम अक्सर यह गलती करते हैं, कोई भी पूजा होती है उसमें हम नारियल जरूर चढ़ाते हैं। नारियल को हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के बाहर पे या शिवलिंग के सामने ही नारियल को फोड़ते हैं और चढ़ाते हैं, यह बिल्कुल गलत है। नारियल कभी भी शिवलिंग या शिव की प्रतिमा पे अर्पित नहीं करनी चाहिए। नारियल माता लक्ष्मी का स्वरूप है और माता लक्ष्मी जो कि भगवान विष्णु के हैं, इसलिए नारियल कभी भी शिवलिंग पे अर्पित नहीं की जाती है। तो आज हमने जाना उन सात चीजों के बारे में जो भूलवश भी हमें शिवलिंग पे या शिव जी की प्रतिमा पे अर्पित नहीं करनी है। तो चलिए लास्ट में एक बार फिर से सातों चीजों को समराइज कर लेते हैं। आप लोगों से भी निवेदन है कि कॉपी पेन निकाल के इन सातों चीजों को नोट कर लें, क्योंकि तो कई बार सारी चीजें याद नहीं रहती है। तो सबसे पहली चीज जो हमारे है वह है शंख से जल शिवलिंग पे कभी अर्पित नहीं करनी है। दूसरी हमने कहा तुलसी का पत्ता कभी भी शिवलिंग के ऊपर नहीं डालना है। तीसरा हमने कहा केतकी का फूल कभी भी शिवलिंग पे अर्पण नहीं करना है। चौथा हमने कहा अक्षत अर्पण करते वक्त यह ध्यान दे लें कि चावल का टुकड़ा टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। पांचवा हमने कहा तिल कभी भी अर्पण नहीं करना है भगवान शिव के ऊपर। छठी चीज जो हमने बताई वह कुमकुम और हल्दी कभी भी भगवान शिव पे या शिवलिंग पे नहीं अर्पित करनी है। और सातवीं और आखिरी चीज नारियल कभी भी नहीं फोड़ना है या फूटा हुआ नारियल कभी भी भगवान शिव को अर्पित नहीं करना है। तो इन सात चीजों का आप ध्यान रखें, शिव जी या शिव जी लिंग या शिव जी की प्रतिमा पर इसका अर्पण न करें। भगवान शिव भगवान भोलेनाथ की पूजा करें, आपको तो पता ही है वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनकी स्तुति करें, उनकी पूजा करें और मनचाहा वरदान प्राप्त करें। धन्यवाद।